मित्रों, आपका होस्ट केशव जी इस समय बीकानेर शहर से उष्ट्र अनुसंधान केंद्र जाने के लिए उसी के रास्ते पर हैं और अनुसंधान केंद्र पहुंचने के लिए आपका वहां पर स्वागत करते हैं। ये रास्ता बीकानेर शहर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए रास्ते का कुछ सीन आपको हम दिखाते हुए चलते हैं। ये रेलवे, ये आपका अंडरपास, हाँ, ये आपका कैमल फार्म वो सामने दिख रहा है, और ये कैमल फार्म ओवरब्रिज दोनों है। ये ओवरब्रिज है रेल का, और ये सामने गाड़ी आ रही है, और ये देखिए सामने कितनी मस्त लग रही है, एकदम सामने का सिनेरियो देखिए आप। और ये पूरा बीकानेर शहर आपको दिखाई देगा, और साथ में ये झील बना हुआ है। ये अंडरपास और ओवरब्रिज दोनों का एक समन्वय है, और सामने NRCC बोर्ड दिख रहा होगा, वहाँ कैमल फार्म है हमारा। तो चलिए यहाँ से कैमल फार्म की तरफ बढ़ते हैं। इस समय राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र में हम हैं, और यहाँ पर केंद्र में सुबह 8 बजे सारे ऊँट घास चरने चले जाते हैं, और फिर 3:30 बजे लौट कर आते हैं। इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें, बेहतर होगा आप 3:30 बजे आएँ। 3:30 बजे के बाद लगभग 6 बजे तक ये अनुसंधान केंद्र खुला रहता है, तो इस अनुसंधान केंद्र का पूरा आनंद आप ले सकते हैं। और ये अभी बंद है, तो मैं अनुसंधान आपको दिखा रहा हूँ, और इसको देखने के बाद हम किसी अन्य स्थल पर जाएंगे। इसमें नर ऊंट को प्रजनन के लिए तैयार किया जाता है, और वो सामने प्रदर्शनी स्थल है, और ये पूरा पार्क है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर का बोर्ड देख रहे होंगे आप। यहाँ पर गधे, घोड़े और बगल में ऊँट के लिए अनुसंधान किया जा रहा है, तो इस अनुसंधान के लिए और इनको देखने के लिए आइए अंदर चलते हैं। भुटिया पोनी, काठियावाड़ी घोड़े, और मारवाड़ी घोड़े, इन सब घोड़ों का प्रयोग पहले तो होता ही था, आज भी होता है, और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इसका डिटेल इसके अंदर है। ये चेतक मारवाड़ी घोड़े का एक प्रतीक है। जंस्कारी टट्टू, इसके बाद मणिपुरी टट्टू, फिर पोट्टू गर्धब, गधे को भी यहाँ कई प्रजातियों में बांट के उनके ऊपर अनुसंधान हो रहा है। तो ये इस तरह से राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर। ये जड़ी बूटी उद्यान हर्बल, इस सामने हर्बल की जड़ी बूटियां हैं जो वनस्पति उद्यान में और जड़ी बूटियों में इंटरेस्ट रखते हैं,
ये उद्यान उनके लिए है। फिलहाल अभी ये उद्यान की एंट्री, पता नहीं गेट बंद है इस वजह से बस केवल हम बाहर से दिखा पा रहे हैं। और इस तरह से ये पूरा पूरा आप देख रहे होंगे, ये अनुसंधान केंद्र का ये जड़ी बूटी उद्यान है। कुछ ऊँट आपको चरते हुए दिख रहे होंगे, ये रेगिस्तान का हवाई जहाज है, इसी के ऊपर अनुसंधान लगातार इस पे चल रहा है। अश्वशालाएं बोर्ड जैसा कि आप देख रहे हैं, ये दो तरह के रास्ते वहाँ से अलग हुए और विभिन्न तरह के अश्व के शालाएं यहाँ पर हैं। आप श्वेत रंग के और चितकबरे रंग के अश्व को यहाँ आप देख पा रहे हैं और ये अश्वशाला में अनेकों तरह के घोड़े आपको दिखाई देंगे। ये सामने जो अश्वशाला है इसमें जो इन्फेंट्री यानी बच्चे होते हैं घोड़े के, ये सामने उनको अलग से रखा जाता है। और उसके बाद आपको बताऊं मैं कि यहाँ गर्दभ यानी गधे के लिए भी अनुसंधान हो रहा है। इस समय मैं आप लोगों के लिए गर्दभ अनुसंधान केंद्र में हूँ और वहाँ से अब आपको मैं गधों की वैरायटी आपको दिखा रहे हैं। गधे वैसे बड़े साफ़ सुथरे प्राणी माने जाते हैं और जहाँ कहीं भी ये लीद कर देते हैं फिर वहाँ रुकते नहीं हैं, तो साफ़ सुथरेपन की एक निशानी है गधों में। और इस तरह से ये गधे और ये उनके बच्चे, ये सामने फिर घोड़े की अश्वशाला दिखाई दे रही है और इनमें घोड़े के बच्चे यहाँ पाले जा रहे हैं। तो इस तरह से ये अनुसंधान शाला गर्दभ और अश्व का अलग अलग बाड़े में करके आपके सामने दिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये मारवाड़ी घोड़े का शाला है और यहाँ पर थोड़ा सा गाइड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए ये एक घोड़ा लगाकर पूरे अश्वशाला को दिखाने का प्रबंध है, लेकिन पता नहीं क्यों अभी बंद है या जो भी है, इसका कुछ शुल्क है और वो शुल्क लेकर ये पूरा अश्वशाला दिखाने का प्रबंध करते हैं। तो ये सामने आपके देखिए कुछ घोड़े बंधे हुए हैं, तो ये बंधे हुए घोड़ों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह के अश्व यहाँ पर बंधे हुए हैं। यहाँ पर घोड़े और गधों के बीच की वैरायटी होती है पोनी, जिसको टट्टू बोलते हैं। अब आप वो टट्टू आप देख पा रहे हैं। अश्व अनुसंधान शाला एवं ऊंट अनुसंधान शाला दोनों सटे हुए हैं। आप देख रहे होंगे पीछे बाड़े में ढेर सारे घोड़ों के अलग अलग वैरायटी हैं, उनके बच्चों की वैरायटी है। तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि भारत देश में घोड़ों के ऊपर, गधों के ऊपर और ऊँट के ऊपर किए जा रहे अनुसंधान का एकमात्र केंद्र है। तो एक बार यहाँ ज़रूर आना चाहिए। हम लोग चिड़ियाघर में तमाम पशुओं को देखते हैं लेकिन घोड़े, गधे और ऊँट ये तीन नहीं दिखाई देते और यहाँ इन तीनों पर अनुसंधान हो रहा है। तो चलिए इस अनुसंधान केंद्र से अब आगे चलते हैं। धन्यवाद।